हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध शिक्षा प्रणाली के आदर्श उद्देश्य विशेषताओं के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे कि बौद्धिक कालीन में बौद्ध शिक्षा की प्रणाली में शिक्षा का संरचना कैसा था, संगठन कैसा था, और साथ ही साथ जो इसके दो संस्कार कई बार सवाल पूछे जाते हैं, प्रवज्य संस्कार और उपसंपदा संस्कार, इसके बारे में भी जानेंगे। सो वेलकम टू माई वीडियो, स्वागत है आपका इस चैनल पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। बौद्ध कालीन में शिक्षा का अर्थ किसे माना जाता था, शिक्षा किसे समझा जाता था, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? वैदिक काल के समाप्त होने के बाद। जब वैदिक काल समाप्त हुआ, यानी कि बौद्ध कालीन शिक्षा जैसे शुरू हुई, वैदिक कालीन की समाप्ति के बाद से माना जाता है। तो आज से लगभग 500 ईसा पूर्व बौद्ध कालीन की शुरुआत मानी जाती है। बौद्ध कालीन शिक्षा कहाँ पे होती थी? प्रायः मठों और विहारों में हुआ करती थी। और बौद्ध धर्म के अनुसार शिक्षा किसे माना जाता था कि देखो, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है, और दुखों को समझना और दुखों को दूर करने के उपायों का उपयोग करना ही बोध है। वास्तव में यही बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म का मतलब अपने जीवन को समझना, जीवन की जो भी दुख तकलीफ परेशानी है ना, उसको दूर करना, वास्तव में यही बोध है, और इसी के शिक्षा प्राप्त करना बौद्ध शिक्षा है। अर्थात अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि, ईर्ष्या पाप लालच सांसारिक मोह माया से दूर होकर मन की शांति प्राप्त कर लेना, इसी की शिक्षा प्राप्त करना बौद्धकालीन शिक्षा का अर्थ माना जाता है। ओके, इसीलिए आप आगे देखेंगे तो बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मबोध, आत्मा को बोध, आत्मा को समझ लेना, आत्मज्ञान, अपना आत्मा अपने अंदर को ज्ञान प्राप्त कर लेना, वास्तव में यही शिक्षा है। अब यहाँ पे देखिए, निवारण की अवस्था तक शिक्षा की प्रक्रिया पहुँचती है। यह शिक्षा द्वारा सील समाधि तथा प्रज्ञा प्राप्ति जैसे गुणों का विकास होने से अविद्या दूर होता है। बौद्ध कालीन के अनुसार शिक्षा से क्या प्राप्त होता है? सील का अर्थात मतलब प्रेम, सद्भावना, दया, प्रेम, इन सब भावनाओं का विकास करना, समाधि मतलब ईश्वर को प्राप्त करना, और प्रज्ञा मतलब बुद्धि विकास, शक्ति, इन चीज़ों को प्राप्त करना। वास्तव में सील समाधि और प्रज्ञा जैसे गुणों का विकास होना ही शिक्षा है, और इसी से क्या होती है, आपकी अविद्या दूर होती है, अज्ञानता दूर होती है। तो बौद्ध कालीन की अर्थ के बारे में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो कई बार सवाल पूछा जाता है, वो ये है बच्चों कि बौद्ध कालीन शिक्षा के आदर्श क्या थे, आइडियल क्या थे, उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या था आपके बौद्ध कालीन शिक्षा के। तो समानता बौद्ध कालीन शिक्षा में और वैदिक कालीन शिक्षा के आदर्श और उद्देश्यों में भिन्नता नहीं थी, बहुत अंतर नहीं था, लेकिन स्वरूप अलग था उसका, ठीक है। तो इसमें क्या थे बच्चों? समानता बौद्ध काल शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श अति व्यापक थे और वैदिक कालीन शिक्षा से मिलते जुलते थे, परंतु उनका स्वरूप, इनका क्रमबद्ध विवेचना निम्न प्रकार है। क्या है? पहला, व्यक्तित्व क्या? वैदिक कालीन में ये जो भी आपको यहाँ पे आदर्श और उद्देश्य लिखेंगे, ये वैदिक कालीन में भी यही थे, ठीक है। पहला क्या था? व्यक्तित्व का विकास करना, एक अच्छा व्यक्ति बनाना इंसान को, जो कि सच बोले, ईमानदार रहे, धोखा ना दे, आज्ञा पालन करे, तो इस प्रकार के एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करना। चरित्र का विकास मतलब चोरी, मतलब एक अच्छा कैरेक्टर हो, लोगों को गलत निगाह से ना देखे, कुछ गलत काम ना करे, तो चरित्र का निर्माण बौद्ध कालीन शिक्षा के आदर्श उद्देश्य, वैदिक कालीन में भी यही थे। धार्मिक शिक्षा का विकास, अब वैदिक कालीन में जहाँ पे सनातन धर्म, वैदिक वेदों के ज्ञान की बात की जाती थी, यहाँ पे धार्मिक शिक्षा मतलब बौद्ध धर्म की बात की जाती है। हर एक धर्म, मुस्लिम धर्म में मुस्लिम कालीन शिक्षा में मुस्लिम धर्म की बात की गई होगी। तो पहला आपने देखा व्यक्तित्व का विकास, चरित्र का निर्माण, धार्मिक शिक्षा का विकास, और जीवन की तैयारी हेतु कला कौशल एवं व्यवसाय की शिक्षा, नैतिकता का विकास, मानव संस्कृति का संरक्षण व विकास, ठीक है, सामाजिक विकास, निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति का मतलब सोच समझ बुद्धि, इन सब का विकास हो जाना, ये सारी चीज़ें इसके आदर्श और उद्देश्य के अंतर्गत आती थी। अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे अपने शब्दों में, जैसे यहाँ पे व्यक्तित्व के विकास में लिखा है कि बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सार्वगीण विकास, मतलब शारीरिक विकास भी हो, मजबूत बने, ठीक है, मानसिक विकास भी हो, बुद्धिमान बने, और बौद्धिक विकास, नैतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास सम्मिलित हैं, भगवान से जुड़े, आध्यात्मिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, नैतिक विकास हो, हर एक प्रकार के विकास यहाँ पे बात की जा रही है व्यक्तित्व के विकास में। दूसरा पॉइंट, चरित्र के निर्माण में आप लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखिएगा, इस काल की शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को चरित्र निर्माण हेतु प्रारंभ में बौद्ध मठों में
10 नियमों को पालन कराया जाता था। वो नियम कौन से बच्चों? वो नियम इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि सादा जीवन, कहते हैं ना सादा जीवन और उच्च विचार, तो इस प्रकार के आपके नियम थे कि सादा जीवन जीना है, बहुत गहने नहीं पहनना है, महंगे दिखावे चमकीले वस्त्र नहीं पहनना है, विनयपूर्ण व्यवहार, अच्छा व्यवहार करने सीखना है, बुरे कार्यों से दूर रखा जाता था, ठीक है, और आत्मसमय, करुणा, दया, महत्व दिया जाता था, बौद्ध दृष्टि से इन गुणों का पालन करने वाला ही चरित्रवान होता। तो ये सारे चरित्र आपके करेक्टर निर्माण के लिए आपके अच्छे गुण थे जो कि आपको पालन करना था, ठीक है। धार्मिक शिक्षा का विकास हुआ, ऑब्वियस बात है, बौद्धकालीन शिक्षा के धर्म धर्म का स्थान सर्वोपरि होने के कारण बौद्ध धर्म की शिक्षा के साथ साथ अन्य मुख्य धर्म एवं दर्शन की शिक्षा व्यवस्था भी की गई, ठीक है। तो धर्मों का, धर्म की शिक्षा, जीवन हेतु तैयारी, ठीक है, इसमें अब हर एक शिक्षा व्यवस्था हो, कोई भी शिक्षा व्यवस्था हो, वो इसकी तैयारी जरूर कराती है, क्योंकि शिक्षा के बाद बच्चा जीवन में व्यवसाय क्या करेगा, तो एक ऑप्शन तो होता है कि वो बच्चा खुद भी शिक्षा दे सकता है, ठीक है, वो पढ़ा सकता है, इसके अलावा भी चाहे योग अभ्यास हो, चाहे और कोई कला हो, तो उसके बारे में बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से आप आगे और लिख सकते हैं, नैतिकता के विकास में, नैतिकता के बारे में लिखना है, मानव संस्कृति का संरक्षण, जो भी आपकी संस्कृति है उसको बचाव करना है और उसका प्रसार करना है, उसका विकास करना है, दूसरों तक पहुंचाना है, सामाजिक विकास, निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति को देखना पड़ेगा, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब बौद्ध शिक्षा का सर्वोच्चतम उद्देश्य सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत अपनाए हुए समाधि लेना, अर्थात निर्वाण को प्राप्त कर लिया, जीवन की उदारता, दया, करुणा, सत्य, अहिंसा, पवित्रता, शुद्धता, त्याग, तप, बलिदान, मानवता को महत्व दिया गया था। ये सारे को, त्याग हो, बलिदान हो, तप हो, दया हो, करुणा हो, अहिंसा हो, अहिंसा बौद्धकालीन की शिक्षा में बड़ी एक प्रमुख विशेषता, आदर्श था, इनका उद्देश्य था। अहिंसा इस प्रकार से थी कि युद्ध करना ही नहीं, इसीलिए बौद्धकालीन शिक्षा में युद्ध अभ्यास नहीं होता था। आप देखें, अहिंसा परम धर्मों की बात की जाती थी बौद्धकालीन शिक्षा में, ठीक है। तो ये निर्वाण की प्राप्ति का मतलब सादा जीवन, उच्च विचार के साथ ही मरणासन को प्राप्त कर लेना, ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ये बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शुरू हो जाता है, यहाँ से सवाल ऐसे पूछा जाता है कि बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थी, या फिर मेन फीचर्स क्या थे, प्रमुख अभिलक्षण क्या थे। तो अगर कैरेक्टर पूछे या फिर मेन फीचर्स पूछे, यानी कि विशेषता पूछे या प्रमुख अभिलक्षण पूछे, आपको इस प्रकार से इसमें चीज़ों को लिखना है। इसमें पहला पॉइंट क्या है बच्चों? पवज्जा संस्कार। पवज्जा संस्कार क्या होता था? ठीक वैसे ही जैसे वैदिक कालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार होता था, अब यहाँ सॉरी उपनयन संस्कार, वैदिक कालीन में उपनयन संस्कार होता था, जहाँ पे गुरु के पास लेके जाते, मतलब शिक्षा शुरू करने से पहले जो मुस्लिम कालीन शिक्षा में बिस्मिल्लाह रस्म होता था, ठीक है। तो जब शिक्षा शुरू करने से पहले की जो संस्कार होती है, तो वैदिक कालीन में उसको उपनयन कहते हैं, बौद्ध काल में उसको पवज्जा संस्कार कहते हैं, मुस्लिम कालीन शिक्षा में उसमें बिस्मिल्लाह रस्म कहते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बच्चों पवज्जा संस्कार में? बौद्ध शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जब कोई बालक अपने घर से शिक्षा प्राप्त हेतु संघ में प्रवेश होता, तो मठ व विहार के शिक्षक उसे पवज्जा संस्कार कराते थे। इस संस्कार के दौरान शिक्षक निम्न तीन वचनों को उच्चारित कराता था, बच्चों को आदेश देता था कि आपको ये तीन वाक्य कहने हैं। पहला क्या है? बुद्ध शरणं गच्छामि, कि मैं बुद्ध की शरण में आ गया। संघ शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण में आ गया। और धम्म शरणं गच्छामि, मैं धाम की शरण में आ गया। बुद्ध, संघ और धम्म, इन तीनों की शरणों में खुद को समर्पित कर देना, वास्तव में यही पवज्जा संस्कार है। इसका मतलब कि आप अब शिक्षा प्राप्त करने के लिए बुद्ध के शरण में आ गए, ठीक है। तो यहाँ से पवज्जा, ये भी कई बार आपसे एक नंबर में पूछा जाए कि पवज्जा संस्कार को एक्सप्लेन करें। तो ये हो गई इसकी बच्चों पहली विशेषता। अब उक्त तीन वचन लेने के बाद गुरु अपने शिष्य को 10 नियमों से अवगत कराता था, जिसमें झूठ न बोलना, जीव हत्या न करना, चारित्रिक शुद्धि, एक अच्छा चरित्रवान। मैं इस चीज़ पे बहुत बल देता हूँ, इंसान को एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति बन जाना, मुझे लगता है कि शिक्षा को प्राप्त कर लेना होता है, चाहे किसी भी शिक्षा में। और आज हालांकि मैं मॉडर्न एजुकेशन में तो बात नहीं करूँगा, मॉडर्न एजुकेशन में तो शायद ही किसी कैरेक्टर पे फोकस किया जाता है, कौन सिखाता है बताओ ना, कभी आपने एक सिलेबस, मुझे लगता है कि चरित्र का अच्छा हो जाना, कैरेक्टर अच्छा हो जाना शिक्षा को प्राप्त, कोई भी शिक्षा प्रणाली ना इस पर बड़ा फोकस करती थी कि एक नेक इंसान बने, एक सही दिल वाला, सही नीयत वाला, एक अच्छा इंसान बने। तो चरित्र की शुद्धि, नशीली वस्तुओं का सेवन ना करना, जब पवज्जा संस्कार हो जाता था तो बच्चों को इन चीज़ों को मना कर दिया जाता कि आप नशीली पदार्थों का सेवन नहीं, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करें। और भाषा भी,
मुझे ये जो आपका टंग है ना जवान, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वो कहते हैं ना कि आपकी जवान ऐसी चीज़ है कि या तो आप किसी के दिल में उतर जाते हैं या किसी के दिल से उतर जाते हैं। तो किसी के दिल में उतरना है या किसी के दिल से उतर जाना है, ये आपका टंग निर्धारित करता है। मीठा बोले, अच्छा बोले, तो अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना, ये बच्चों को बताया जाता था। सोने चांदी की वस्तुओं को उपहार में नहीं लेना। हाँ, बौद्ध जो शिक्षा प्राप्त करते थे वो भिक्षु भी भिक्षा मांगने जाते थे, तो उन्हें मना ही था कि आपको सोना चांदी आभूषण महंगे वस्तुओं को भिक्षा में नहीं लेना है, क्योंकि जैसे जैसे धन आएगा वैसे वैसे मन विचलित होता जाएगा, तो धन से बचा जाता था वहाँ पे। चलिए, इस प्रकार संघ तीन वचनों को ये सरनत्र भी, बज्जे संस्कार को सरनत्र भी कहा जाता था। ठीक है, बालक शरणार्थी लेता था, उसके बाद ही शिष्य छात्र भिक्षु के रूप में स्वीकार किया जाता था। पवज्य संस्कार के बाद बालक सामान्य कहलाता था, उसे मठ में ही रहना है, मठ में ही रहना है और मठ में ही शिक्षा प्राप्त करना है। अब यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे पॉइंट आता है बच्चों, बौद्धकालीन शिक्षा में चाहे आप इसको कमी कह लें, इसको दोष कह लें, कि विकलांग व्यक्ति, अगर किसी का अंग नहीं है, विकलांग व्यक्ति, दंड व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य से दंड दिया गया हो, ठीक है, राज्य कर्मचारी व सैनिक, तो इनको पवज्य संस्कार का अधिकार नहीं था। दंडित व्यक्ति या फिर अभी आगे और इसको देखेंगे, आइए इस पॉइंट को भी हम देख ही लेते हैं। ठीक है, वो पॉइंट यहाँ है बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, विद्यार्थी का चुनाव, अब यहाँ पे हम इसी पॉइंट को यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन ऐसे बालक हैं जिनको विद्यार्थी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था। ठीक है, कैसे नहीं किया जाता था, 10 वर्गों में से किसी भी व्यक्ति को विद्यार्थित्व के लिए नहीं चुना जाता था। अगर इस 10 वर्ग में से कोई एक व्यक्ति आता है तो उसे विद्यार्थी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था। ये इसके आपके दोष कह लीजिए या फिर ये इनकी नियम होते। पहला क्या था बच्चा, नपुंसक, अगर कोई व्यक्ति नपुंसक है तो उसे विद्यार्थी के रूप में स्वीकार नहीं किया। दास, गुलाम, अगर आप कहीं गुलाम को न स्वीकार करने के प्रति एक ये भी था कि वो अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर कोई राज कर रहा है, वो तो गुलाम है तो वो कैसे पढ़ सकता है, तो ये उसकी एक दोष हो सकती है। जब आप दोषों को लिखेंगे कि बौद्धकालीन शिक्षा के दोष, तो इस पॉइंट को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। यात्री, कोई उस समय यात्राएं भी लंबी चलती थी, तो हो सकता है उस राज्य में, उस क्षेत्र में कोई यात्री के रूप में आया हो, विश्राम कर रहा हो, तो उसे विद्यार्थी के रूप में स्वीकार नहीं किया सकता। राजा की नौकरी में लगा हुआ व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया जाता। डाकू, डकैत, इसको तो ना करे तो बहुत अच्छी बात है, कौन डकैत को करेगा। कारावास से भागा व्यक्ति, कोई व्यक्ति को कारावास हो चुका है और वो भागा है, तो उसको शिक्षा के रूप में, शिक्षार्थी के रूप में स्वीकार नहीं। अंग भंग व्यक्ति, किसी का अगर कोई अंग नहीं है, अंग भंग है, तो उसे विद्यार्थी के रूप में स्वीकार नहीं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर उस समय की अपनी संस्कार है, अपनी सभ्यता है, तो कुछ वजह होगी, नहीं करते होंगे, मगर हाँ, बौद्धकालीन शिक्षा में अंग भंग व्यक्तियों को विद्यार्थी के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। शारीरिक विकृति से युक्त और राज्य द्वारा दंड प्राप्त व्यक्ति, माता पिता की आज्ञा न मानना, ये बहुत सही किया इन्होंने। माता पिता की अगर आप आज्ञा नहीं मानते, आपको विद्यार्थी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, और कुछ ऐसी बीमारी जिससे डर हो कि कहीं और फैल जाए, जैसे कि क्षय, कोढ़, खुजली आदि, छूत के रोगों से ग्रसित व्यक्ति, तो इन 10 वर्गों के व्यक्तियों को पवज्जा संस्कार के लिए नहीं एक्सेप्ट किया जाता था, विद्यार्थी के रूप में चुनाव नहीं किया जाता था। ठीक है, चलिए आ गई होगी, अब हम अगली विशेषताएं देखते हैं। अगली विशेषता इसकी क्या है, शासन का संरक्षण प्राप्त था। देखो, वैदिक कालीन शिक्षा वो शासन और राज्य से मुक्त थी। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता था राजाओं की, वो गुरु के ऊपर निर्भर, लेकिन यहाँ पे क्या था कि राजाओं का संरक्षण, शासन का संरक्षण प्राप्त हुआ था, तो ये इसकी एक विशेषता हुई। राजा के द्वारा कई धन दिए जाते थे शिक्षा चलाने के लिए, और क्योंकि बुद्ध के शरण में आके बच्चे पढ़ाते, तो उनके रहने के, खाने के, पीने की बहुत सारी व्यवस्थाएं होनी थी, तो राजा उसमें अच्छे दान करते थे। इसके अलावा भी आर्थिक व्यवस्थाएं कहाँ से होती थी, आर्थिक व्यवस्थाएं में व्यापार संस्थापन वहन किया जाता। आर्थिक व्यवस्था जो भी वहाँ के संस्थापक हैं, अनुयायी हैं, वही इसका भार उठाते थे, लेकिन पैसे कहाँ से आते थे, तो राज दरबार से आ जाता था या फिर दान के पैसे, तो ये मुख्य पैसे यहाँ पे आते थे, यहाँ से इसकी आर्थिक व्यवस्था होती थी, ये इसकी विशेषता है। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होती थी, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए पैसे देने पड़ते थे। प्राथमिक शिक्षा, देखो प्राथमिक शिक्षा बौद्धकालीन में 6 साल से शुरू होती थी और ये 6 साल तक चलती थी, मतलब 12 साल तक बच्चे प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति करते थे, ये फ्री था, ये मतलब ये फ्री था। और उच्च शिक्षा 12 साल के बाद के आगे की शिक्षा, इसके लिए कुछ पैसे लगते थे, जिसको जो विद्यार्थी है उसे ही उठाना पड़ता था। अगर कोई बच्चा, यहाँ पे सेम चीज़ें लिखी है कि परंतु यदि निर्धन व्यक्ति है, निर्धन योग्य विद्यार्थी धन के स्थान पे अपनी सेवाएं दे सकते थे। अगर किसी के पास धन नहीं है
तो ठीक है, आप शिक्षा के दौरान या शिक्षा के बाद कोई सेवा दे सकते हैं। सेवा मतलब आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को, या फिर जो भी वो संस्था या अनुवाई तय करते थे वो सेवा दे सकते थे। ऐसा नहीं था कि धन नहीं था तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप सेवा दे सकते। तो ये इसकी विशेषताएं। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा की संरचना और संगठन के बारे में। ये उसकी विशेषताओं के अंतर्गत ही आती थी कि किस प्रकार से वहाँ पे शिक्षा के संगठन थी और संरचना थी। तो अगर हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ में 6 वर्ष से होती थी और 6 वर्ष तक चलती थी, जिसकी व्यवस्था बौद्ध मठों एवं विवारों में की जाती थी। यह शिक्षा 12 वर्ष की आयु तक चलती थी। तो ये हो गई प्राथमिक शिक्षा के बारे में। उच्च शिक्षा की बात करें तो 12 वर्ष के बाद आप आगे उच्च शिक्षा के लिए जा सकते थे। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु परीक्षा होती थी। प्रवेश परीक्षा की प्रणाली यहीं से माना जाता है कि बौद्धकालीन शिक्षा से शुरू हुई। आपको उच्च शिक्षा में लेने के लिए प्रवेश परीक्षा यानी कि एक परीक्षा देनी जाती थी और योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। यह शिक्षा सामान्यतः 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होकर 20 से 25 वर्ष तक चलती थी। ठीक है, इनके कुछ शुल्क भी लिया जाता था। उच्च शिक्षा के बाद कुछ छात्र गृहस्थ जीवन में आते थे, परंतु कुछ अब जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ बच्चों को आज्ञा था कि आप वापस आ सकते हैं, अपने जीवन शैली जी सकते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के बाद 20 या 20 के बाद मतलब 25 साल के बाद आप चाहे तो भिक्षु शिक्षा मतलब और ऊंचे क्लास के लिए जा सकते थे। वहाँ उसके बाद होता है भिक्षु शिक्षा। अब भिक्षु शिक्षा में क्या होता था बच्चों, भिक्षु शिक्षा में आप फिर वापस गृहस्थ जीवन में नहीं आ सकते, और भिक्षु शिक्षा सबको दी भी नहीं जाती थी। यह किसे दी जाती थी? अब इसमें क्या होता था, भिक्षु शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो छात्र धर्म प्रचार एवं प्रसार कार्य में लगना चाहते थे, अब बच्चों के पास ऑप्शन था कि आप वापस अपने व्यवहारिक जीवन में आना चाहते थे या फिर आप बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगना चाहते थे। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप फिर आपको भिक्षु शिक्षा मतलब टोटली एक जैसे जो महान बौद्ध लोग होते थे ना उस रूप में आपको आ जाना है, तो आप आइए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, वो होता है उप संपदा संस्कार। उच्च शिक्षा के बाद होती थी। शुरू में कौन सी संस्कार थी? पवज्जा, जिसमें कोई भी बच्चा पढ़ाई शुरू करने के पवज्जा। आपने पवज्जा संस्कार के बाद प्राथमिक शिक्षा हासिल करी, फिर उच्च शिक्षा हासिल करी, यहाँ पे आपकी शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जाती। अब इसके आगे अगर आपको बढ़ना है तो आप इसको उप संपदा एक संस्कार होती थी, उसके बाद आप आगे बढ़ते थे। ठीक है, यह शिक्षा सामान्यतः 8 वर्ष तक कौन भिक्षु शिक्षा 8 वर्ष तक चलती थी। ठीक है, उसके बाद वह भिक्षु कहलाते थे और धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और वही टीचर बनते थे, वही शिक्षक बनते थे। जो व्यक्ति भिक्षु शिक्षा के बाद बौद्ध धर्म विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे उन्हें अधिक वर्षों तक अपनी भिक्षु शिक्षा जारी रखनी पड़ती थी। अब हम देख लेते हैं इसको उप संपदा संस्कार क्या होता था। उप संपदा संस्कार मैंने बताया आपको, ये भिक्षु शिक्षा के बारे में बात की जा रही है, उच्च शिक्षा के बाद दी जाती थी। कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि उप संपदा संस्कार के बारे में एक्सप्लेन करिए, तो देखिए इसके पश्चात उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलती थी। यह संस्कार 20 वर्षों के पूर्व नहीं होता था, मतलब 20 देखिए उप संपदा के बाद से उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलती थी, मतलब उच्च शिक्षा के बाद ही, आप थोड़ी सी गलती लिखी, उच्च शिक्षा के बाद ही आपको, क्योंकि उच्च शिक्षा 12 साल के बाद से चलती थी और उच्च शिक्षा के बाद क्या होती थी आपको भिक्षु शिक्षा, यहाँ पे भिक्षु शिक्षा होनी चाहिए थी। ओके, तो यह संस्कार 20 वर्ष की आयु से पहले नहीं हो सकती थी। 20 वर्ष की आयु तक आप उच्च शिक्षा प्राप्त करें। अब इसमें होता क्या था कि 10 विद्वत भिक्षुक के समक्ष विद्यार्थियों को परिचय कराया जाता था और कठिन प्रश्न की 10 आपके बौद्ध शिक्षक रहेंगे, उनके समक्ष आपका परिचय होगा और आपसे कुछ कठिन प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, और उस 10 शिक्षकों में से एक बहुमत निकलता था कि क्या इसको आगे भिक्षु शिक्षा के लिए भेजनी चाहिए कि नहीं। तो अगर बच्चा हाँ कहता, अगर वो लोग अगर सहमत होते हैं कि हाँ इस परीक्षा में पास है, इसे आगे भेजना चाहिए, फिर आप आगे भिक्षु शिक्षा के लिए जा सकते थे। तो यहाँ से प्रवेश अथवा उप संपदा के पश्चात भ्रमण भिक्षुक बन जाता था और जीवन भर अथवा शिक्षा समाप्ति तक भिक्षुक ही रहता था, फिर वो भिक्षा की तरफ भिक्षुक रहेगा। उप संपदा के समय भिक्षु के 4 व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा पड़ती थी। 4 व्रत तो बिल्कुल पड़ता ही था कि ये 4 काम करने हैं। पहला क्या है, वृक्ष के नीचे सोना है आपको, इसीलिए तो आप महान बनेंगे, वृक्ष के नीचे सोना है। दूसरा, भिक्षा पात्र में ही भिक्षा लेकर खाना है और मांगे हुए वस्त्र धारण करना है, औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना है। ये 4 इनकी प्रतिज्ञाएं होती थी, तभी आप आके भिक्षु शिक्षा लेते थे, तभी आप आके एक बौद्ध क्या कहते हैं बौद्ध गुरु बन सकते थे। तो ये हो गई उप संपदा संस्कार। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था बच्चों, कई बार इसे सवाल पूछा था। आदर्श देखा आपने, आदर्श की अगर हम बात करें, आइए एक बार और हम देख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो अगर हम आदर्शों की बात करें बच्चों, तो ये आप आदर्श और उद्देश्य लिख सकते हैं,
व्यक्तित्व, चरित्र निर्माण, ये सारी चीज़ें इसके आदर्श के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करें इनकी विशेषताओं के बारे में, तो विविधता में पहला पवज्जय संस्कार हो गया। दूसरा कि इसकी ये विशेषता थी कि यह क्या था, शासन के कंट्रोल में रहता था, आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी होती थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा आपने देखा, और ये इसकी प्राथमिक शिक्षा कब से होती थी, उच्च शिक्षा कब होती थी, उप संपदा भिक्षु शिक्षा और उप संपदा संस्कार, ठीक है, ये इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आ गई। अब यहाँ से एक और सवाल आता है कि बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षण विधियाँ कैसी थी, मतलब बच्चों को कौन सी विधि से पढ़ाया जाता था, शिक्षण विधि क्या थी। तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, पहला व्याख्यान विधि का मतलब लेक्चर मेथड, जैसे कि गुरुजी आते थे, लेक्चर देते थे, बच्चे सुनते थे, बाद में उसको अपने अभ्यास के दौरान सीखते थे, तो लेक्चर मेथड भी होता था, ठीक है, लेक्चर मेथड। दूसरा अनुकरण विधि, अनुकरण विधि का मतलब इमिटेशंस, आप देख के सीखना, नकल करके सीखना। इसमें क्या होता है, जैसे प्राथमिक शिक्षा में अक्सर अनुकरण विधि के द्वारा सिखाया जाता है, ये हर एक वर्ग में, आज भी आप बच्चे को अगर ई लिखना सिखाते हैं तो आप डॉटेड बना देते हैं, फिर बच्चे को कहते हैं इस पर कलम चलाओ, ये अनुकरण, या फिर आप कहते हैं ऐसे ए बनाओ, ठीक है, या फिर कहते हैं कि मुर्गी कंडा बीच में डंडा पहुँच बन गया, ऐसे करके आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसको अनुकरण कराते हैं, उसको देख के सीखना कराते हैं, तो अनुकरण विधि ऐसे होता है, ठीक है। चलिए प्रश्नोत्तर विधि, बच्चे प्रश्न करते थे, टीचर गुरुजी सवाल जवाब देते थे, गुरुजी प्रश्न करते थे बच्चे, तो प्रश्नोत्तर विधि भी होती थी। वाद विवाद डिबेट्स, बैठ के वाद विवाद होता था, डिबेट्स होती थी, और इस प्रकार से बच्चे, ये सारी शिक्षण विधियाँ बौद्धकालीन में अपनाई जाती थी। भ्रमण विधि, घूम के सीखना, भ्रमण करके सीखना, भिक्षा मांग के खाना और उस समय चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखना, तो भ्रमण विधि। सम्मेलन और शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ होता था, सम्मेलन बैठती थी, इधर से वो अपने दोहे सुना रहे हैं, ये दोहे सुना रहे हैं, तो शास्त्रार्थ विधि भी पढ़ाई जाती थी। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, तो हर एक विधि में होती थी। अगर आपको इस पर एक्सप्लेन करना है तो बिल्कुल एक्सप्लेन भी किया जा सकता है, ठीक है, एक्सप्लेन में भी कुछ खास नहीं। व्याख्यान विधि को अपने शब्दों में लिखिए। अनुकरण विधि, अनुकरण विधि सीखने सिखाने की स्वाभाविक विधि बौद्धिक काल में इस प्राथमिक स्तर पर किया जाता था। भाषा की शिक्षा की शुरुआत, बच्चे को अगर भाषा सिखाना तो अनुकरण विधि ही, देख कर भी सीख सकते हैं, अच्छा अनुकरण करके, नकल करके ही बच्चे सीखते हैं। प्रश्नोत्तर विधि में वही क्वेश्चन आंसर मेथड, ठीक है, वाद विवाद विधि डिबेट्स, भ्रमण विधि टूर मेथड, बात वही है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हो गई आपकी बात भ्रमण विधि, तो ठीक है बच्चों। तो आपने इस वीडियो में क्या क्या देखा, देखा आपने बौद्धकालीन शिक्षा की शुरुआत कब से हुई थी, ठीक है, इसकी प्रमुख उद्देश्य और आदर्श क्या थे, और आपने इसकी विशेषताएं देखी, विशेषताओं के कैरेक्टर देखे। आपने ये भी देखा कि बौद्धकालीन शिक्षा की शिक्षा संरचना कैसा था, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और भिक्षु शिक्षा को जाना, और साथ ही साथ आपने देखा कि बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षण विधियाँ क्या थी, यहाँ तक आपने देख लिया, ठीक है। अब इसके अलावा आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है, आप अगर इतना समझ गए ना, आपके पास अच्छा ज्ञान हो गया है, तो आप आसानी से सब कुछ लिख सकते हैं। जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इसके गुण पूछता है कि इसके गुण क्या थे, तो जो विशेषताओं थी उसी के आधार पर आप इसके गुण लिखिए। जैसे बौद्धकालीन शिक्षा के अगर हम गुणों की बात करें, तो इसमें कोई वर्ग विशेष के लिए रोक टोक नहीं था, हर एक वर्ग के लोग इसमें पढ़ाई कर सकते थे, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क शिक्षा थी, ठीक है, ये इसकी गुण हुई। कैरेक्टर की बात करता था, व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण, सामाजिक शिक्षा व्यवस्था, तो ये इसके सारे चीज़ें क्या हो गई, गुण के अंतर्गत आती थी। इसके अलावा अगर हम इसके दोष की बात करें, इसके दोषों में आप हालांकि दोष बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मगर हाँ इसके ये दोष निकाल सकते हैं कि जो वो 10 वर्ग के लोग थे उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, तो दोषों के अंतर्गत उसकी व्याख्या की जा सकती है। इसके अलावा अहिंसा परमो धर्म में, मतलब इतना ज़्यादा ये अहिंसक थे कि ये युद्ध शिक्षा के बारे में नहीं बात करते थे, मतलब युद्ध या फिर सैनिक शिक्षा, युद्ध शिक्षा इसकी यहाँ पे नहीं ज़्यादा ट्रेनिंग होती थी, ठीक है, तो ये इसके दोष के अंतर्गत आते। आप उसके अलावा भी लिख सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चे घर से दूर जाके पढ़ते थे तो थोड़ा सा ज़्यादा हमें बल, आध्यात्मिक पे ज़्यादा बल दिया जा रहा था, पारिवारिक जीवन को परित्याग करना पड़ता था, तो आप कह सकते हैं कि ये परित्याग या फिर बलिदान की भावना थी, घर परिवार से दूर जाके सीखना, तो वो दोषों में इसको भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा कठोर अनुशासन भी लिख सकते हैं, हालांकि ये दोष नहीं है एक कठोर अनुशासन होना, मगर आज के समाज के अनुसार कि एक बहुत ही कठोर अनुशासन था, दिनचर्या आपकी फिक्स थी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो ये आपके दोषों में इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। दूसरी बात, साज सज्जा, आभूषण, दिखावा, इन सब चीज़ों से मनाही थी, तो ये भी आप दोष के अंदर पॉइंट आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बौद्ध शिक्षा समझ में आ गया होगा और आप लिख सकते हैं अच्छा। तो ख़त्म करेंगे इस वीडियो को, बस जाने दीजिए हमें भी, मैंने शायद अपना काम कर लिया, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा किया होगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर हाँ तो आप भी एक काम कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। लाइक करने से समझ में आती है कि चलो बच्चों को समझ में आया, पसंद आया वीडियो, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, कैसी लगी वीडियो, आपको चीज़ें समझ में आई है ना। फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, चाहे सही या गलत, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी होगी फिर मुझे बना के फ़ायदा क्या है। तो मैं अगली वीडियो में और बेहतर बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए और आपको अच्छा लगे। तो यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी, लाइक करिए। और क्या मुझे कहना पड़ेगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का आइकॉन दबा लीजिएगा? अभी तक तो मैंने नहीं कहा, शुरू से लेकर अभी तक, तो कर दीजिएगा। कॉपी करिए वीडियो को, लिंक को शेयर कर दीजिए दूसरे दोस्तों तक। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वैदिक कालीन को देखा था, इसमें बौद्ध कालीन। अगली वीडियो में हम देखेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में। सो दीजिए इजाज़त रुख्सती होने का, यहाँ से जाने का, क्योंकि वक्त आ गया है अब यहाँ से विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। ओवर एक्टिंग कुछ ज़्यादा ही ड्रामा हो गया। ओके बाय बाय। 50 रुपये कट जाएगी, 50 रुपये काट इसके ओवर एक्टिंग के। बाय बाय, जय हिंद, अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ओके बाय बाय।